हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाला है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। पहले वीडियो में हमने सीखा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लोरीमेट्री के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ सीखूंगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है उसके बारे में ब्रीफली समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखते हैं, व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आयर रेडिएशन देन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन वाइब्रेशन लेवल टू अनदर लेवल, ईच वाइब्रेशन कंटेन रोटेशनल ऑफ एनर्जी लेवल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखने से हमको अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा। ये है एक वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है दोस्तों, और ये है एक वाइब्रेशन लेवल। ठीक है, ये V1 में एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसमें एक मॉलिक्यूल है, ठीक है दोस्तों, और इसमें ऐसे लाइट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लाइट आएगा, लाइट आने के बाद ये मॉलिक्यूल में लाइट एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के वक्त ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाइब्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, वाइब्रेशन होने के बाद ये ट्रांजिशन होगा, लेकिन ट्रांजिशन होने के बाद ऐसे 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 रोटेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे रोटेशन होगा। रोटेशन होने के लिए इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मेन कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें जो वाइब्रेशनल लेवल है, वाइब्रेशन लेवल में जब मॉलिक्यूल प्लेस होगा और इसमें जब लाइट आएगा, लाइट आने के बाद ये वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने के बाद ये थोड़ा रोटेशन भी होगा, रोटेशन होने के बाद ये डायरेक्टली दूसरा जो वाइब्रेशन लेवल है उसमें ट्रांजिशन होगा। ठीक है दोस्तों, यही है मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन मेनली थ्री टाइप्स है, एक है नियर आयर, नियर इंफ्रारेड रीजन, मिडिल इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है दोस्तों, इसका जो वेवलेंथ है नियर रीजन का 0.8 to 2.5 माइक्रोन, जो मिडिल रीजन का है 2.5 माइक्रोन to 15 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, और जो फार रीजन का है उसका जो वेवलेंथ है वो है 15 माइक्रोन to 200 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, अभी जो वेवलेंथ है इसको अगर हमने वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये है नियर रीजन का। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा मिडिल रीजन का, इसका वैल्यू आएगा 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। जो फार रीजन का वेब नंबर आएगा वो है 667 सेंटीमीटर इनवर्स to 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एमसीक्यू की जो क्वेश्चन आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें वेब नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बी मान लीजिए ये वेब नंबर है, तो बी इजिकल टू, ये है फॉर्मूला, बी इजिकल टू 1/वेवलेंथ, ये है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अभी मान लीजिए लेमडा का जो वैल्यू, जो वेवलेंथ का वैल्यू 2.5 माइक्रोन। ठीक है, तो 2.5 माइक्रोन हमने अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो है 2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें जो बी है, इसका जो वैल्यू फॉर्मूला है, इसमें अगर हमने प्लेस कर दिया तो हमारा जो लास्ट वैल्यू आएगा वो है 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेन इंट्रोडक्शन ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा टफ भी है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है जो फंडामेंटल मोड्स, कौन सा टाइप वाइब्रेशन होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी था उसमें क्या था, वाइब्रेशन होता था मॉलिक्यूल में, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वाइब्रेशन होता था। वो वाइब्रेशन कौन से टाइप होते थे, ठीक है, उसका किस किस टाइप का वाइब्रेशन होता है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है दोस्तों,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, एक है स्ट्रेचिंग, नेक्स्ट है बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है दोस्तों, इस दोनों को याद रखना जरूरी है एग्जाम के लिए। अभी देखते हैं स्ट्रेचिंग क्या है। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्व द चेंजेस ऑफ द बॉन्ड लेंथ बट नॉट चेंजेस इन बॉन्ड एंगल। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग में मेनली जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है उसमें चेंज होगा, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए वो डायग्राम इसमें नहीं है, इसमें डायग्राम है। तो ये है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, ये जो एटम है, ठीक है दोस्तों, इसमें ये एटम है, ये एटम का जो एंगल है, ठीक है, ये है एंगल, इस एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ ऐसे चेंज होगा, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है दोस्तों, वाइब्रेशन होने के वक्त जो एटम का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट होने के वक्त इसका जो एंगल होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अभी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसका दो टाइप्स है, सब टाइप्स है, एक है सिमेट्रिकल, नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, अभी इन दोनों को देखते हैं। मूवमेंट ऑफ एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंट्रल एटम इज इन द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या है, जो एटम का जो मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन होने के वक्त जो एटम का मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट सेंट्रल एटम की रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम देखते हैं। ये है डायग्राम, ये डायग्राम ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सेम डायरेक्शन, इसे सेम डायरेक्शन, ये इसमें सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये भी सेम डायरेक्शन होता है इसे, लेकिन कोई अपोजिट डायरेक्शन, इसमें ऐसा और ये ऐसा, इसमें नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये है सिमेट्रिकल। नेक्स्ट देखते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो एटम्स का मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो वाइब्रेशन है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। एक्चुअली ये जो वाइब्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मस्ट बी आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है, ठीक है दोस्तों, इन दिस द पोजिशन ऑफ एटम चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस, देयर इज ए चेंज इन बॉन्ड एंगल बट नॉट बॉन्ड लेंथ। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन था, उनमें क्या था, जो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होता था। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल का चेंज नहीं होता था, लेकिन इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल का चेंज होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ का चेंज नहीं है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का ये है ऑपोजिट। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, इन प्लान बॉन्डिंग एंड आउट प्लान बॉन्डिंग, इन प्लान बॉन्डिंग एंड आउट प्लान बॉन्डिंग। अभी देखते हैं इन्प्लांट बॉन्डिंग। इन्प्लांट बॉन्डिंग का दो टाइप से, एक है सिचुरिंग, नेक्स्ट है रॉकिंग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सिचुरिंग एंड रॉकिंग क्या है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिचुरिंग में जो मूवमेंट होगा एटम्स की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जो एटम्स का मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें सेम डायरेक्शन होगा। अगर ये ऐसी इस डायरेक्शन में आता है तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन, इससे सेम डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रान बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं आउट प्लान वाइब्रेशन का दो टाइप्स है, वो है वॉगिंग एंड ट्विस्टिंग। वॉगिंग आउट प्लान बॉन्डिंग का टू टाइप्स है, वॉगिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है दोस्तों, अभी वॉगिंग क्या है, इन दिस टाइप्स टू एटम्स मूव अप और बिलो विद द रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एटम। देखते हैं डायग्राम, ये है सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन मान लीजिए ये अप है, और जो नेगेटिव साइन है इसमें बिलो है।
टू एटम्स मूव अप, इधर इसमें जो दो एटम्स है ये दो एटम्स आपकी तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा और दोनों की ही एटम नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन क्या है। वन एटम्स मूव अप एंड अनदर एटम्स मूव डाउन द प्लान। जो वॉकिंग वाइब्रेशन था उनमें दोनों एटम आपकी तरफ नहीं तो दोनों एटम डाउन की तरफ मूवमेंट होता था, लेकिन जो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में है इनमें क्या होता है, एक एटम आपकी तरफ मूवमेंट होगा और एक एटम नीचे की तरफ डाउन की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।